देखिए, कमल के फ्लावर खिलने के पश्चात जो है पीछे से ये पूरा ऐसे निकलता है, जिसमें जो है सीड्स होते हैं। ये देखिए सब गोल गोल जो दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे सीड्स हैं। करीब वन ऐसे गिनेंगे तो करीब ये 15 के आसपास जो हैं होंगे सीड। इसमें भी ऐसे सीड्स होते हैं। ये अभी मैं इन सीड्स को जो निकालूंगा और इससे जो है हम इस सीड्स को ग्रो करके देखेंगे कि प्लांट्स कमल के कैसे निकलते हैं। देखिए ये सीड्स जो हैं उसके कमल के निकल आए हैं। एक का मैंने निकाल लिया, अब इनको जो है मैं दूसरे को निकालूंगा और पानी में जो है पूरी एक रात के लिए डाल दूंगा, सोक करूंगा। देखिए इनको रात भर सोक करने के पश्चात देखिए ये इस तरह के शेप में आ गए। अभी इनमें देखते हैं कि जो है कुछ निकलता है इनके अंदर से, और ये भी दिखाते हैं कुछ निकला हुआ है। ये जो ग्रीन ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी से जो है प्लांट जो है निकलेगा। अभी इसको थोड़ा और सोक करते हैं, फिर इसमें देखते हैं ब्रांड निकलता है। देखिए लोटस के जो सीड्स मैंने लगाए थे उससे देखिए एक हफ्ते के अंदर जो है इसमें प्लांट्स निकल आए हैं। देखिए इसमें करीब 4-3-7 जो है प्लांट्स में लीव्स अभी निकल आई हैं। इनको जो है थोड़े बड़े पॉट में हम लोग जो है मिट्टी और पानी लगा करके लगाएंगे, इसको लगाते दिखाते हैं हम आपको। इनको लगाने के पश्चात जो है प्लांट्स को लगाने के पश्चात हम इनको धूप में रख देंगे। देखिए अभी इसी लेवल तक जो है पानी जो है इसमें भरना चाहिए, जहाँ पत्ती फ्लोट कर रही है। पत्ती पूरी तरह से पानी में नहीं डूबनी चाहिए।